ये आपने कभी सोचा है कि माइनक्राफ्ट के अंदर सबसे ज्यादा अमीर कौन है, और अमीर से मतलब सबसे ज्यादा डायमंड्स किसके पास है? मेरे पास तो बिल्कुल नहीं है। तो देखो, हम लोग यार दिन रात मजदूरों की तरह मेहनत करते हैं तो हमें यार थोड़े बहुत डायमंड्स मिल जाते हैं, लेकिन इस बंदे ने यहाँ पे 18,931 डायमंड कलेक्ट करे हैं। एंड यस, ये वही बंदा जिसने ये वाला प्लेन बनाया है, और इसी ने इतने सारे डायमंड्स को कलेक्ट करा है, वो भी सिर्फ एक महीने में। आप सोचोगे ये कैसी पॉसिबल है यार, क्योंकि ऐसे अगर हम माइनिंग करने जाएंगे तो भाई साल भर लग जाएगा, फिर भी थोड़े बहुत ही डायमंड्स कलेक्ट हो पाएंगे। लेकिन अपना काफ्स नाम का बंदा यार दिमाग से बहुत तेज है, मैंने पहले ही बताया था। इसने ऐसी बड़ी बड़ी तगड़ी तगड़ी मशीन्स बना दी, और एक दो ऐसी मशीन नहीं बल्कि 50 माइनक्राफ्ट के अंदर इसने मशीन बना दी। और ये मशीन को चलाने के लिए इवन यार काफी सारी एंशिएंट डेब्रिस की भी जरूरत होती है, और ये मशीन इसने अंडरग्राउंड बना दी और अपना काम करना शुरू कर दिया। और फिर धीरे धीरे देखते ही देखते इसके पास बहुत सारे डायमंड्स कलेक्ट होने लग गए। लेकिन ये भी इसके लिए काफी नहीं था, क्योंकि ये मशीन्स कुछ ज्यादा ही स्लो थी, इसलिए उसने और ज्यादा दिमाग। लेकिन अगर आपको पता है तो कमेंट्स में जरूर बताना।